Good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is day two, और आज travel कर रहे हैं from Port Blair to Havelock. और पहले vlog start करते हैं. यहाँ रखूँ या सीधा ऐसे भी करूँ? और गाइस एवरीथिंग इज पैक्ड और पीछे सनराइज हो रहा है जिसको मैं पूरा नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि निकलना है अभी. और हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ से फेरी चलती है और मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ. मैं तो दोबारा वो चीज़ आपको बताऊँगा कि वो एग्जैक्टली है क्या. यहाँ से कैब करके वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से 2.5 आवर का फेरी है और फिर सीधा Havelock और स्टार्ट करते हैं. देखते हैं जर्नी कैसे जा रही है. अभी मुझे आगे का नहीं पता कैसा होगा. But it's 5 a.m. Fresh breeze. See you in a while. Alright guys, checking in. अभी we are on the ship to Havelock. और यहाँ पर मैंने सोचा था इतना एनवायरनमेंट क्रेजी नहीं होगा क्योंकि मैं एक बार ट्रैवल किया हूँ तो मुझे लगा नहीं था. बट दिस इज़ एंटायरली क्रेजी. और आपको मैं उसकी ना ग्लिम्स दिखाता हूँ, देन आई शो यू द वे जैसे हम जा रहे हैं. तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी, इतनी अच्छी नहीं आई. बट आई हैव टू कम डाउन, ब्रिंग डाउन माई कैमरा, देन फॉलो मी. मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है. I'm not sure if I'm audible, but this is crazy. और मैंने एक लोकेशन ढूंढ ली है जहां पर हम बात कर सकते हैं. आप मेरी आवाज सुन पाएंगे. यहाँ बहुत शोर है. ब्लूपर जैस्मिन, द ब्लूपर. Guys, if you can hear me, मैं बता रहा हूँ एक घंटा हो गया है और कोई ऐसा भी नहीं कि लेट नाइट पार्टी चल रही है. सुबह के 8 बज रहे हैं. यहाँ पे सीन क्रेजी हुआ हुआ है. मुझे लग रहा है मैं Havelock के बदले गोवा जा रहा हूँ. हम सनबर्न जा रहे हैं. अरे गाइस, पहली बार लाइफ में मुझे किसी ने और बानी को किसी ने पहचाना है. दैट इज सर, एक बार इंट्रोडक्शन. हाय, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार फ्रॉम हरियाणा और मैं इनका यूट्यूब चैनल देखता हूँ. ये सिर्फ ना इस चीज़ की वजह से है क्योंकि हमने हरियाणवी की जैसे केडी हो गया या फिर खासाला चार हो गया, दीज पीपल आर लाइक एपिक. तो हमने उस पर रिएक्शन दिए, रिव्यूज दिए हैं एंड दैट इज द रीजन मैं वो रिव्यूज देखता हूँ. आपको थोड़ा हरियाणवी कम समझ में आती है? तो थोड़ी कम समझ आती है, ठीक है, बट आपके रिव्यू बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच. और ये हल्के नहीं है यार. आई मीन, मुझे ऐसा लगा था ये कहीं जिम में मार के आए या फिर ये कोई कटीला बदन है. Guys, just landed. I'll not call it landed, just ported on Havelock. And the best thing, the first thing you would observe is the green water. Aur yahan par white sand beach hai, green water hai. Aur ye raha uska glimpse. और गाइस जस्ट चेकिंग इन.
We checked in at hotel, the resort that is called Havelock Resort. Or the best thing about Havelock that I just experienced from my first step here is that everything seems very clean. The beaches are clean, the water in the beach is clean, and the swimming pool here is small. Disappointment number one. Alright guys, disappointment number two. The bar is closed. But anyways, abhi hum breakfast karenge, then we go to this place called Kala Pathar Beach. Aur uske baad hum jayenge Radhanagar Beach. That is the most famous beach and comes into be Asia ka 7th, I guess, the cleanest beach here. Resort seem to be pretty good, kyunki cottages type bana hua hai, if you look at here. Yahan par wooden cottages hai. स्टे के लिए लाइक आई थिंक हमें ऐसे मिलेगा कि एक ऊपर एक नीचे एंड काफ़ी कूल होने वाला है. आई एम एक्साइटेड. तो अभी हम चेक इन करेंगे, उसके बाद वी गो टू काला पत्थर एंड उससे पहले ब्रेकफास्ट. सी यू द ब्रेकफास्ट देन. सबसे बड़ी समस्या थी कि रूम्स कौन से लिए जाएं. मैं कह रहा था नीचे के लोग इजीली एक्सेसिबल होता है, बट एवरी वन वॉन्ट्स कि हम ऊपर की तरफ रहें. तो हमने देख रहे हो, तो हमने रूम चेंज करा दिया. सिर्फ मैं लड़ा जाकर रिसेप्शन पे, मैंने हाथ जोड़े, पैरों में गिरा, सिर्फ इनके लिए. महारानी ने अपनी सेना भेजी. तो रूम्स अब सामने हैं, उसको अभी टाइम लगेगा, बट हम अभी रेस्ट करेंगे, उसका करेंगे नाश्ता पानी. सी यू इन अ वाइल. ओके, द थिंग इज होटल का फूड खत्म हो चुका था, हम लेट पहुंचे हैं, 9 बजे खत्म हो गया, पता नहीं क्यों. तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है बिग बाइट रेस्टोरेंट करके, वेज नॉन वेज बिरयानी ब्ला 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 ब्ला, और मैं उसके नीचे ही हूँ. और अभी हम ऊपर जाएंगे, और ये भी रोटी खाएंगे, रोटी भूख लगी हमें. से हाय, अभी पाउट कर दे. हाय हाय बाय. और गाइस, मैंने आपको बताया नहीं कि हम वापस आ गए थे खाना खा के, बिकॉज हिम्मत नहीं थी कि कैमरा भी उठाऊं और कुछ शूट करूं. बहुत भूख लगी हुई थी. वी स्लेप्ट फॉर 1 आवर. रात को 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठे हैं, और फिर 1 घंटा हम यहाँ पर सोए हैं. अभी हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच, और उसके बाद जाएंगे राधा स्वामी, और वहाँ तक की जर्नी थोड़ी तेज़ चलाएंगे. चलो देखते हैं. Alright guys, reached the Kala Pathar beach, and first of all, warning, do not disturb the flora and fauna. Or I will not show you the view abhi, just listen to me. Or white sand jis pe main chal raha hu, aur piche halka sa ek blaze hai, that is called green blaze, and I'll just turn, just watch it with me. और मैं एक और चीज़ की अपडेट देना चाहूँगा गाइस, मुझे किसी ने क्या जो मेरे हमारे कैब ड्राइवर हैं भैया, उन्होंने करेक्ट किया कि दिस प्लेस इज़ नो मोर कॉल्ड हैवलॉक, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया. दे आर चेंजिंग द नेम्स. ये ब्रिटिश के टाइम किससे यहाँ पर नाम थे, इनके नाम अब बदल दिए गए हैं. अब इसका नाम है स्वराज द्वीप, एंड दिस इज़ नॉट हैवलॉक एनी मोर. और यहाँ पर ब्लू. और गाइस, आई विल सी यू इन अ व्हाइल, लेट्स जस्ट गेट इनटू द सिनेमैटिक्स. Guys, moving out from the Kala Pathar beach, amazing experience just for photography.
तुम सी में नहीं जा सकते ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं जो तुम्हारे पैर को छील देंगे। बट नेक्स्ट स्टेशन इज राधा स्वामी बीच, नींद बहुत कम ली हुई है और वहाँ पे जाके वील डू समथिंग इन द वाटर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और गाइस, लैंडेड अप इन राधा स्वामी बीच। इट इज एन आइल टू द बीच एंड हियर देयर आर कपल ऑफ शॉप्स वेयर यू कैन ईट फ्रेश फिश, फ्रेश सी फूड। और अभी मैं क्रैब खाने वाला हूँ। ऐसा बानी ने मुझे बोला लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। भैया बहुत तेज बोल रहे हैं जो मेरी आवाज़ काट रहे हैं। ओके, तो बीच पे नो वाटर स्पोर्ट्स, इट इज जस्ट प्लेन स्विमिंग बीच जहाँ पर यू कैन सिट विद योर फैमिली, इन्जॉय। दिस इज माई सेकेंड टाइम हियर, बट मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहता हूँ। देर आर सर्टन ट्रीज हियर विच आर लाइक सुपर ओल्ड और आप उनके साथ मतलब खो सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोना टेक यू देयर और उसके बाद यू जंप इन टू द बीच। फर्स्ट बिफोर जंपिंग टू द बीच वील हैव लंच किसी ढाबे पे और देखते हैं खाने में क्या है। गाइस दीज आर लाइक सुपर टॉल ट्रीज, अगर आप मेरा व्यू देख पा रहे हैं, आई एम लाइक 6 feet और मैं इसका भी छोटा सा लग रहा हूँ। इसका जो बेस है दैट इज लाइक सो ह्यूज, लुक एट इट। ओके, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ना रिकमेंडेशन देखा है कि यहाँ पर फूड क्या है। यू कैन गेट लाइक फ्रेश फ्रूट हियर और सी के लिए जो सी फूड टाइप है वो सब कुछ इस लाइन में है एंड देन द बीच इज हियर। सो वील गो टू द बीच, पहले कुछ खाएं। एंड आई सी जहाँ पर फैमिली बैठी है देर इज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड लेट मी वॉक फास्ट। ओके, देर इज द श्री हरी रेस्टोरेंट, दिस इज वेज एंड नॉन वेज। वी आर सिटिंग एट सागोरिका रेस्टोरेंट हियर। अब देख रहे हो मैंने कहा था कि हम बहुत कम खाने वाले हैं लेकिन यहाँ पर क्रैब कट रहे हैं। गाइस हर जगह से यहाँ से पूरा जल रहा है। क्या है? क्रैब मसाला। मैंने सोचा था मैं अंडमान आऊंगा तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मतलब मैं आई विल नॉट ईट सी फूड बिकॉज सी फूड नहीं, इट्स नॉट अबाउट वेगन, मैं सी फूड नहीं खाऊंगा, मुझसे सी फूड नहीं खाया जाता। बट मैंने यहाँ पे खाया एंड ट्रस्ट मी इट इज बेटर देन चिकन। हाँ, इट इज बेटर देन चिकन। ओके, कमिंग टू राधा स्वामी बीच, पहले चेक इन होता है तो चेक इन किया, उसके बाद यहाँ पर पीछे चेंजिंग रूम्स हैं इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट, और इस तरफ बीच है तो हम पहले चेंज करेंगे और फिर बीच पे जाएंगे और फिर बीच का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाएंगे। गाइस यहाँ पर ना ट्रीज ना कुछ ज़्यादा ही ह्यूज हैं, लुक एट दिस, ओ गोज अप। और गाइस चेंज हो गए हैं, बानी ने मेरी टी शर्ट पहन ली है करेज के साथ और वॉकिंग टू द बीच। बीच ड्रेस, सो कॉल्ड बीच ड्रेस भूल गई। और द बेस्ट पार्ट वुड बी अभी इस टाइम पे ना ऐसे यहाँ से लग रहा है कि बीच बहुत अमेजिंग है। हाँ आई नो अमेजिंग है लेकिन इतना रश है ना। और गाइस वेलकम टू द राधा स्वामी बीच, वाइट सैंड, ब्लू वाटर, ब्लू स्काई, व्हाट द फक यू नीड। ऑलराइट, व्हाट वी गोना डू इज हम अभी यहाँ पर, मैं कोई स्निपेट नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ पानी के अंदर। आप भी मेरे साथ चलिए और कोशिश करेंगे जितना रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे वैमरे रख दिए, आई एम जस्ट यूजिंग अ गोप्रो इस टाइम पे। गिविंग अ शाउट आउट टू राहुल कोहली व्लॉग्स क्योंकि गोप्रो उसका है तो गोप्रो कहते हैं, सॉरी शाउट आउट देना बनता है। तो लेट्स जस्ट डाइव इन, पेट अंदर कर लो। क्यों बोला लिटरली तूने? क्यों मुझे लगा म्यूजिक डालोगे इस पे म्यूजिक डालूंगा यार, सुनो सॉरी, अब दोबारा पहननी पड़ेगी, पहन लो। अभी जा रहे हैं हम, हाँ
और गाइस मैं बहुत दूर निकला स्विम करता हूँ और वेव्स आ रही हैं बहुत हाई, ठीक है। तो आप थोड़ा अंडर वाटर इन्जॉय कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ इवनिंग में, अगर मैं इसके बाद कुछ शूट कर पाता हूँ तो। सी यू गाइस।